हेलो IIT एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन। टेलीस्कोपिंग सीरीज याद है? सब मर जाएंगे, सिर्फ त्रिवेदी बचेगा। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टेलीस्कोपिंग पे बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ी फिल्मी हेडिंग है, ITF मीट्स टेलीस्कोपिंग। थ्योरी इसकी बहुत ही सिंपल है, ये तीनों फॉर्मूले हमको पता हैं। और टेलीस्कोपिंग के पीछे आइडिया यही होता है कि डिफरेंस क्रिएट करना है कॉन्सिक्यूटिव या कुछ गैप रहे भी, बट एक पैटर्न होना चाहिए ताकि टर्म्स कैंसल आउट होना शुरू हो जाए। जिनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको इस आइडेंटिटी पे देखने को मिलेंगे, इसीलिए ये यहाँ पर ये जो वन है ना, ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट और ये ड्राइविंग फोर्स है। एक्चुअली ऊपर क्या है, दो टर्म्स का डिफरेंस और नीचे वन प्लस उन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, इतनी चीजें अपने को ऑब्जर्व करनी है। तो एक क्वेश्चन ये मैं सॉल्व करके बताता हूं। ठीक है भाई, वन प्लस ये देखो इधर क्या लिखा हुआ है। अब ये दो चीजों का प्रोडक्ट है, किन दो चीजों का, x और x प्लस वन। और क्या इन दोनों का डिफरेंस ये है? यस इट इज। तो ये आ गया ऐसा। उसी तरीके से अब हम इसको हैंडल करेंगे। अब सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में वन क्रिएट करेंगे भाई। तो ये जो थ्री है इसको वन प्लस टू लिख सकता हूं। अब एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू के फैक्टर्स क्या हैं? एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन, और उसी का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है। सिमिलर ग्राउंड्स पे ये जो है वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, उसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, और उसका डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है। सो दिस एक्सप्रेशन इज दिस। तो इसके बाद अब बाय पैटर्न वी कैन से दैट नेक्स्ट टर्म विल बी टेन इनवर्स एक्स प्लस फोर माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस थ्री। ये फर्स्ट टर्म आ गई, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म में x प्लस वन है आगे वाली टर्म, दूसरी टर्म में जो पहली वाली टर्म है वो x प्लस टू है, तीसरी वाली टर्म में जो पहली वाली टर्म है वो x प्लस थ्री है। तो nth टर्म में जो पहले टर्म आएगी वो आएगी x प्लस एन, माइनस करके टेन इनवर्स इससे एक कम। अब ये कैंसल आउट हुआ, ये कैंसल आउट हुआ, ऐसे सब कैंसल हो जाएंगे, ये भी कैंसल हो जाएगा, सब मर जाएंगे, सिर्फ त्रिवेदी बचेगा। क्लियर विद दिस? रिलेटिवली इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पांच मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? पाई बाय फोर। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। जनरल टर्म हमें पता नहीं है, हम फाइंड करेंगे। पहले तो जो डिनोमिनेटर है उसमें वन क्रिएट कर देते हैं भाई। सो दिस थिंग इज अब ये टू फोर एट, इसको देखो तो ये टू के पावर्स में है। सो दिस इज टू रेज टू पावर जीरो, टू रेज टू पावर वन, टू रेज टू पावर टू, टू रेज टू पावर थ्री। डिनोमिनेटर में भी ये वन को छोड़ दो, दिस इज टू रेज टू पावर वन, टू रेज टू पावर थ्री, टू रेज टू पावर फाइव, टू रेज टू पावर सेवन। अब इस पैटर्न को देखकर अगर हम इसकी जनरल टर्म
लेट्स से nth टर्म लिखें, अब हमें चाहिए न्यूमरेटर में दो चीजों का डिफरेंस और उन्हीं दो चीजों का प्रोडक्ट ये होना चाहिए, है क्या ऐसा? देखते हैं भाई, 2^(2n-1)=2^(n)(2^(n-1) और इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है, 2^(n-1) इधर क्या बचेगा, 2, इधर बचेगा 1, विच इज 1। तो यही चीज तो यहां पे लिखी हुई है। सो नाउ वी गॉट व्हाट वी नीड, nth टर्म आ गई अपनी, तो tan इनवर्स के फॉर्मूले से दिस इज इक्वल्स टू, और n 1 से लेकर इंफिनिटी तक जा रहा है, तो n इक्वल टू 1 पर दिस इज बिकमिंग tan इनवर्स 2, दिस इज बिकमिंग tan इनवर्स 1। ये n मैंने ऐसे ही लिख दिया है ताकि बेटर तरीके से समझ में आए। अब चीजें कैंसिल होना शुरू हो जाएगी, सब मर जाएंगे, सिर्फ त्रिवेदी बचेगा। n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर दिस इज बिकमिंग इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2, tan इनवर्स 1 पाई बाय 4, तो आंसर हो गया पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, दैट इज पाई बाय 4। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। प्रॉब्लम इज हाउ टू क्रिएट 1। देखो भाई, यहां पर अगर मैंने इस 3 को 1+2 करके लिख दिया तो ये 4n² + 2 जो चीज है इसको आप फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। भाई नीचे क्या आता है डिनोमिनेटर में tan इनवर्स के, 1+xy, तो 4n² + 2 ये तो फैक्टराइजेबल नहीं है, रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे, ये चीज तो फेल कर गई भाई। मैं न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर से 4 कॉमन ले लेता हूं, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा n² + 3/4। अब यहां पर मैं 1 क्रिएट करूंगा डिनोमिनेटर में, तो 1+ ये देख लो भाई, 1 - 1/4 = 3/4, और n² - 1/4 इज फैक्टराइजेबल। क्या फैक्टर्स हो रहे हैं उसके, n+1/2 × n-1/2, और ये न्यूमरेटर में जो 1 लिखा हुआ है क्या वो इन दोनों का डिफरेंस है, n+1/2 - n-1/2, n कैंसिल आउट हो गया, 1/2 + 1/2 = 1, हो गया हमारा काम। अब ये बन गई टेलीस्कोपिंग बढ़िया सी, एन वन से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जा रहे लाए, तो 1 पर दिस इज बिकमिंग, सब मर जाएंगे, सिर्फ त्रिवेदी बचेगा। n tending to infinity पर this is becoming tan inverse infinity which is pi by 2, और यहां पर ये बच गया, so what we are left with is tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2, so pi by 2 minus tan inverse x is cot inverse x, और यहां पर x की जगह 1/2 है, और इंटर कन्वर्शन से दिस इज इक्वल टू
tan inverse 2। बात समझ में आई? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।